कुछ नहीं चाहिए होता जस्ट यू नो बच्चों की खुशियां चाहिए होती हैं बन सकती हूँ बिकॉज आई एम अ मदर टू पर उसका कोई कंपेरिजन नहीं है स्ट्रेस भी दे रहे हैं मुझे वो एक्साइटेड है आई गेट इट बट इज गिविंग मी स्ट्रेस बिकॉज आई थिंक वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि पॉपुलर हो गए हैं और उनको लगता है अरे बापरे यू नो ये इंस्टाग्राम पे ये लोग मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं वाई दे कॉलिंग मी वाई दे मैसेजिंग मी उनको वो लगता है बट इज़ कंफर्टेबल इन अ स्किन एंड उनको पॉपुलरिटी बॉदर नहीं करती उनको लगता है कि हाँ मतलब इट्स अ पार्ट तुम्हारी तुम्हारी दुनिया है तुम अलग रखो कीप योर योर पॉपुलरिटी डिफरेंट इन यू नो लेट मी लिव माई लाइफ उस चीज़ से वो बॉदर नहीं होते बट ही लाइक्स द द डिमार्केशन ऑफ दिस इज योर इंडस्ट्री यू डू वॉट आर डूइंग आई वॉन्ट टू डू वॉट I'm doing, so it's uh, It's nice. It's a good balance that he creates. Uh, I think parents के लिए तो वो बहुत communicative हैं और बातें करते हैं बहुत जो आई थिंक जो आप सुनना चाहते हैं वो सब बोलते हैं और वो बोलते भी हैं कि अभी यू नो गिव मी टाइम टू प्रूव माई सेल्फ और सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ तो आई थिंक पेरेंट्स तो देखो सच ही बताओ पेरेंट्स को और कुछ नहीं चाहिए होता जस्ट यू नो बच्चों की खुशियाँ चाहिए होती हैं उनको तो बेचारों को क्या ही चाहिए इस एज में चाहे वो उनके पेरेंट्स हो उनके पेरेंट्स भी बहुत यू uh, नो you know, सीधे साधे से हैं बस वो यही होप करते हैं कि तुम लोग दूसरी बार अपनी ज़िंदगी बसाने जा रहे हो बच्चे भी इन्वॉल्व हैं उनको भी लगता है कि यार जब हो तो फिर लाइक like, रिस्पेक्टफुली अपनी जिंदगी जियो उनके लिए तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो बेचारों की क्या ही है दोनों की तो निक इज़ वेरी गुड विद हिज वर्ड्स वो बातें बिल्कुल करेक्ट करते हैं एंड आई नो दैट ही विल मार्केट विद हिज एक्शन ऑल्सो एंड जेडन भी बहुत एक्साइटेड है तो बच्चे की भी बड़ी उम्मीदें लगी हुई हैं तो आई रियली होप एंड प्रे कि जो डिसीजन मैं ले रही हूँ वो सही हो लेकिन डर है एन्जाइटीज़ है बट एम श्योर एवरी थिंग विल हैपन हाँ नहीं उसका प्रेशर नहीं उसकी एक्साइटमेंट है आई थिंक आरी डी मम बुलाती हैं मुझे और मुझे बहुत प्राउड लगता है इस चीज़ का दैट ही शी कीप्स मी एट द स्टेचर ऑफ अ मदर देखो मदर तो उनकी एक ही है और वो ही होनी भी चाहिए आई थिंक जो उनकी मम्मी उनको गाइड कर सकती हैं या जो उनके लिए प्रोटेक्टिव हैं मैं वो बन सकती हूँ बिकॉज आई एम अ मदर टू पर उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जो मैं जेडन के लिए हूँ उसका वो कंपैरिजन नहीं होता है बट अगर मैं एक अच्छी इन्फ्लुएंस बन पाई आरी के लिए अगर मेरे आने से आरी के लाइफ में शायद कोई डिसिप्लिन या किसी भी तरीके का कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है देन माय एंटरिंग हर लाइफ बिकम्स वर्दी एंड आई टेक दैट वेरी सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर वेरी सीरियसली और जो उनकी मम्मी उनके लिए होप करती हैं यू नो आई होप कि मैं वो कर पाऊँ सो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज मच एज पॉसिबल क्या हो रहा है क्या करना है क्या डिसिजन्स हैं मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कर लो बता देना ही इज़ अ पार्ट ऑफ इट थ्रू आउट द डे ही वॉन्ट्स टू नो क्या हो रहा है एंड यू नो एंड ऑबियसली दूर बैठे हैं तो ज़्यादा वो हेल्प कर भी पाते नहीं भी कर पाते बट ही इज देर ही इज देयर इन एवरी डिसीजन एंड ही इज़ तो काउंटिंग डेज मुझे लगता है वो स्ट्रेस भी दे रहे हैं मुझे वो एक्साइटेड है आई गट इट बट इज गिविंग मी स्ट्रेस बिकॉज ही सर यू नो ओनली दीज मे आज मुझे उन्होंने बोला एक हफ्ते में मैं आ रहा हूँ लाइक ओ नो एक ही हफ्ता बचाए कुछ नहीं हुआ बहुत काम बचे आई एम एक्साइटेड अबाउट हेम कमिंग बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने के दिन मतलब मेरे जाने के दिन भी पास आ रहे हैं तो मिक्सड इमोशन है इस वाले स्टार्टिंग तो यही सोची थी कि हम गुरुद्वारे में करेंगे फिर कुछ चीज़ें हुई अब हम शायद हिंदू आ, कल्चर से ही करेंगे बट ऑनेस्टली इट डजेंट मैटर मतलब हम लोग कोर्ट में भी जाके साइन कर ले इट डजेंट मैटर आई थिंक वॉट रियली मैटर्स इज़ कि हम एज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना इस जो एक क्या बोलते हैं एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है उससे हमारे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट करने वाले हैं और ये डिसीजन उन बच्चों पे क्या असर करने वाला है दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स आप क्या साइन करो कहाँ करो इट डजेंट मैटर और अब हम हिंदू रिलिजन फेराज़ कर रहे हैं एंड इट्स गो नो बी अ स्मॉल वेडिंग ऑफकोर्स मेरे क्लोज फ्रेंड्स ही बहुत सारे हैं तो दे आर ऑल गोइंग टू बी दै जेन्यूनली बोलूँ डेली मसाला और आपसे गप्पे मारते मारते पूरा दिन निकल गया नहीं तो मैं बहुत इम्पेशन टू लाइफ में मैं अभी तक भाग गई होती हूँ यहाँ से hmm. बहुत मज़ा आया एंड uh, अपने आप को एक्चुअली कुछ अपने ऊपर भी करना बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरा कान बज रहा है लिटरली इस वक्त uh, वो सेंसेशन है आई थिंक इतनी भाग दौड़ है दैट आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ तो बहुत अच्छा लगा कि रुक के अपने लिए कुछ किया एंड अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना मुझे बहुत ज़रूरत है वन पार्ट ऑफ मी इज़ वेरी वेरी स्केर्ड ऑल्सो तो आप लोग हमेशा मेरे दुख में सुख में कम में ज़्यादा में पाट रहे हैं जस्ट जस्ट कीप मीन योर प्रेय